नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं और सभी लोगों को हैरान भी कर रहे हैं। आए दिन ऐसे ही वायरल वीडियोस के बारे में हम आपको बताते भी रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हरियाणा का वायरल हो रहा है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला, जहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक युवक अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा कर आधा किलोमीटर तक घसीटता ले गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सूझबूझ से न सिर्फ खुद को चोटिल होने से बचाया बल्कि गाड़ी के बोनट पर एक हाथ से बैलेंस भी बनाया तो दूसरे से वीडियो बनाई। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी में मौजूद तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि धर्मनगरी थानेसर में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद दिखते हैं कि पुलिस चेकिंग के दौरान वे लगे नाके पर गाड़ी रोकने की बजाय पुलिसकर्मी को ही बोनट पर बैठाकर गाड़ी दौराने का दुस्साहस करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र में दिखा, जहां पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने नाके पर दूर से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड और तेज कर दी, जिस पर नाके पर खड़े हेड कांस्टेबल संजीव कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़क के बीच आकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी चालक ने उसे बोनट पर पटक कर गाड़ी भगा दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी संजीव कुमार को गाड़ी चालक लगभग आधा किलोमीटर तक गाड़ी के बोनट में बैठा कर ले गए। चीता राइडर व जोनल ऑफिसर पुलिस की गाड़ी ने किसी तरह से मशक्कत कर बोलेरो गाड़ी को रुकवाया। तब तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी संजीव कुमार ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ खुद को चोटिल होने से बचाया बल्कि गाड़ी के बोनट पर एक हाथ से बैलेंस भी बना लिया, दूसरे से वीडियो बनाया। बाद में बोलेरो गाड़ी को पुलिस थाने ले गया, जहां गाड़ी चालक लवप्रीत व उसके अन्य दो साथियों मनप्रीत व कमलप्रीत के खिलाफ भारत की धारा 307-32-53 के तहत अभियोग अंकित कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो पर क्या है आपके रिएक्शन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।